गुड मॉर्निंग बेटा। सिक्स क्लास का चैप्टर नंबर एट चल रहा है, मूवमेंट इन एनिमल्स, ठीक है। और इसमें अपन ने जो है अर्थवर्म का मूवमेंट देखा। आज अपन देखेंगे बेटा मूवमेंट इन स्नेल। स्नेल जो होता है उसमें किस तरीके से मूवमेंट होता है। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाई है स्नेल की। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि इसके स्ट्रक्चर में ऊपर की तरफ एक राउंडेड स्ट्रक्चर होती है इस तरीके से। इसको बोलते हैं बेटा सेल, जो इसको प्रोटेक्शन देती है बेटा। स्नेल को जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। कोई भी इसके लिए अगर डेंजर चीज होती है उससे जो है इसको प्रोटेक्शन देती है। कौन? ये जो इसकी सेल होती है, हार्ड कवर होता है इसका, ठीक है, जो इसको क्या देती है बेटा, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो ये आपको याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि ये इस तरीके से इसके मसल्स होती है जो मूवमेंट का कार्य करती है या मूवमेंट करती है, ठीक है। इसकी यहाँ पे क्या होती है, मसल्स होती है जो मूवमेंट करती है, जिससे ये आगे की तरफ मूव करता है, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एरिया ऑफ मसल मूवमेंट, मसल मूवमेंट, ठीक है। तो मसल्स यहाँ से मूवमेंट करती है जिससे ये वेव लाइक मोशन करता है। ऐसी मोशन करता है, वेव लाइक मोशन, ठीक है। कभी डिस्कवरी चैनल पे या फिर कभी देखो टीवी में तो इस सेल को देखना, इस तरीके से मूवमेंट करता है। इनको बोलते हैं टेंटेकल्स, टेंटेकल्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ टेंटेकल्स, ओके, ये होता है टेंटेकल्स। तो इस तरीके से जो है आपको याद रखना है। अब ये मूवमेंट करते टाइम क्या होता है कि ये कुछ स्लिमी सब्सटेंस यहाँ पे छोड़ते हुए जाते हैं, यानी इसके नीचे जो फूड्स होते हैं, पेयर होते हैं, उनमें से क्या निकलते हैं अपना स्लिमी सब्सटेंस, स्लिमी सब्सटेंस या स्लिमी सब्सटेंस। स्लिमी सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिस जो क्या करता है बेटा, इसको चलने में हेल्प करता है, ठीक है। इस स्नेल को मूवमेंट करने में, आगे बढ़ने में हेल्प करता है। ये उस ट्रैक को क्या करता है, स्लिमी या चिपचिपा बनाता है। तो जिससे क्या होता है कि स्नेल आगे की तरफ मूव करता है, इजीली मूव कर पाता है, ठीक है। और स्नेल इतना धीरे मूव करता है बेटा कि ये एक घंटे में, एक आवर में या वन आवर में ये ऑलमोस्ट 3 मीटर मूव कर पाता है, ठीक है। वन आवर में 3 मीटर जो है मूव कर पाता है, इतना स्ट्रॉन्ग ये मूवमेंट करता है, ठीक है। सेल जो होती है इसकी, वो क्या करती है बेटा, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है इसको, और इसका बैलेंस बनाती है बॉडी का, ये आप याद रख सकते हो। टेंटेकल्स होते हैं, ठीक है, ये चीजें होती है। और इसकी बॉडी में बोन्स नहीं होती है, इसकी बॉडी में बोन्स नहीं होती है। ये स्लिमी सब्सटेंस जो है इसको म्यूकस बोला जाता है, स्लिमी सब्सटेंस को म्यूकस बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, म्यूकस। तो इस तरीके से जो है स्नेल जो है मूवमेंट करता है। एक देर का बेटा मूवमेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच में कैसे मूवमेंट होता है वो देखो। कॉकरोच में देखो मूवमेंट कैसे होता है, मूवमेंट इन कॉकरोच, मूवमेंट कॉकरोच में कैसे होता है। एक कॉकरोच हैज ए एक्सोस्केलेटन, स्केलेटन क्या होता है, इसका कंकाल जो होता है ना स्केलेटन, वो क्या होता है बाहर होता है। इसका मतलब है द स्केलेटन इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी जो इसका स्केलेटन होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ प्रेजेंट रहता है। ए कॉकरोच हैज 6 जॉइंट लेग्स, कॉकरोच को आपने देखा होगा, कॉकरोच में क्या होता है कि जो उसके लेग्स होते हैं नीचे की तरफ, वो क्या होते हैं एक ही जगह पे क्या होते हैं जॉइंट होते हैं, ठीक है। और 6 पैर होते हैं उसके, ठीक है, 6 पैर होते हैं। तो वो क्या करता है, किस तरीके से मूवमेंट करता है देखना। उसके बाद में ये इसके 6 तो पैर होते हैं, कॉकरोच क्या करते हैं, इट कंटेन्स 6 लेग्स, जॉइंट लेग्स, जॉइंटेड लेग्स, और ए पेयर ऑफ विंग्स, विंग्स मतलब इसके पंख भी होते हैं, ठीक है, जो इसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। 6 तो पेयर होते हैं बेटा, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, और ए पेयर ऑफ, ए पेयर ऑफ
देखो किस तरीके से मूवमेंट करता है, ये अल्टरनेट मोशन करता है, अल्टरनेट अपने पैर जो लेग्स हैं उनको मूवमेंट करवाता है। कैसे? सबसे पहले क्या करता है, इट मूव्स द फर्स्ट लेग ऑफ द राइट साइड। मतलब जैसे अगर एक कॉकरोच है इस तरीके से, जैसे मान लो ये कॉकरोच है ठीक है, और इसके क्या है छह पैर है इस तरीके से, इस तरीके से ठीक है, ये इसके क्या है छह पैर है, ठीक है। अब क्या करते हैं ये कॉकरोच है। अब इसमें क्या होता है बेटा, ये छह के छह पैर को कैसे मूवमेंट करता है, देखो ये क्या करता है कि ये कैसे मूवमेंट करता है, यहां सबसे पहले ये राइट वाला पार्ट जो है इसका, ये राइट वाला पार्ट है इसका ठीक है, तो इसके सबसे पहले इस राइट वाले फर्स्ट लेग को, ये फर्स्ट ठीक है, इसको क्या करता है मूवमेंट करवाता है। तो राइट वाला फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट, ये लेफ्ट वाला पार्ट है इसका और ये कौन सा बेटा राइट वाला, ठीक है। सबसे पहले राइट वाले पार्ट के फर्स्ट लेग को मूवमेंट करवाता है, उसके बाद में सेकंड कौन सा, लेफ्ट वाला सेकंड और राइट वाला फिर से थर्ड, इन तीनों को सबसे पहले मूवमेंट देता है ठीक है। देखो दे रखा है, इट मूव्स द फर्स्ट लेग ऑफ द राइट, द सेकंड लेग ऑफ द लेफ्ट एंड द थर्ड लेग ऑफ द राइट अगेन, ठीक है। मतलब फर्स्ट लेग ऑफ राइट, सेकंड ऑफ लेफ्ट और थर्ड ऑफ राइट, इन तीनों को सबसे पहले मूवमेंट करवाता है। फिर क्या करता है, उल्टा करता है, इसके बाद में आफ्टर दैट फर्स्ट लेग ऑफ लेफ्ट, सेकंड लेग ऑफ राइट एंड थर्ड लेग ऑफ लेफ्ट, इस तरीके से मूवमेंट करवाता है बेटा। इसको आप लोग याद रखना है ठीक है, इस तरीके से जो है मूवमेंट होता है इसमें, ये कॉकरोच का मूवमेंट है। मोमेंट इन फिश आपको याद रखना है, मोमेंट इन फिश, फिश कैसे मोमेंट करती है आपको पता है, इसमें क्या होते हैं फिन्स होते हैं, फिन जो होते हैं इसको मोमेंट में हेल्प करते हैं ठीक है, फिन जो होते हैं इसको वो क्या करते हैं मोमेंट में हेल्प करते हैं। स्ट्रीम लाइन शेप होती है फिश की कैसी शेप होती है, शेप कैसी होती है, स्ट्रीम लाइन शेप। स्ट्रीम लाइन शेप का मतलब बेटा समझना, ये क्या होती है बेटा, बीच में से तो मोटी होती है ठीक है, और आगे से और पीछे से क्या होती है बेटा, चपटी होती है या फिर आप बोल सकते हो फ्लैट होती है। तो मतलब आगे और पीछे से तो ये क्या होती है, पतली होती है। देखो इस तरीके से द बॉडी ऑफ फिश इज ब्रॉड एट द मिडल, ब्रॉड का मतलब हो गया बीच में से चौड़ी होती है, एंड नेरो एट द एंड ऑफ द मतलब बोथ द एंड्स, यानी दोनों एंड्स पे क्या होती है, नेरो का मतलब होती है पतली होती है ठीक है, और बीच में से क्या होती है ब्रॉड मतलब चौड़ी होती है, वाइड होती है। तो इस तरीके से स्ट्रीम लाइन बॉडी बोलते हैं उसको, अगर आगे से ये अगर नेरो है तो वो क्या किस में हेल्प करता है बेटा, वो पानी को कट करने में हेल्प करती है वो चीज, मतलब आगे वो इजिली आगे मूव कर पाती है, किसके थ्रू, फिन्स के थ्रू ठीक है, फिन तो हेल्प करते हैं बट स्ट्रीम लाइन बॉडी जब है उसकी तो वो इजीली आगे मूव कर पाती है, बिकॉज पानी का रेजिस्टेंस कम होता है, अगर आगे से बॉडी अगर ब्रॉड होगी चौड़ी होगी तो पानी उसको रोकने की कोशिश करेगा, समझो एक बार दिमाग से ठीक है। आगे से अगर उसकी बॉडी वाइड है या ब्रॉड है तो क्या होगा, पानी का रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा, पानी उसको रोकने की कोशिश करेगा और इजीली मूव नहीं कर पाएगी। अगर आगे से वो नेरो है या फिर आगे से जो है उसकी शेप कैसी है, नेरो है, तो वो क्या कर पाएगी, इजीली पानी को कट कर पाएगी और आगे मूव कर पाएगी, पानी का रेजिस्टेंस कम होगा वहां पे, पानी कम रोकेगा उसको, तो इजीली वो जो है उससे मूव कर पाती है। तो स्ट्रीम लाइन बॉडी आपको याद रखना है, फिन के थ्रू ये जो है आगे की तरफ मूव करती है ठीक है। ये फिश जो है उसमें क्या होता है, एक टेल फिन भी होती है, टेल फिन्स जो पूंछ वाले जो फिन है वो क्या करते हैं इसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं तो ठीक है, और एक बैलेंस बनाने में भी इसकी हेल्प करते हैं। तो ये आपको याद रखना है ठीक है, इतना क्लियर होना चाहिए। उसके बाद में
इट ऑल्सो हैज स्पेशल स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्विम ब्लेडर्स। फिश में क्या होता है कि स्विम ब्लेडर ब्लेडर्स होते हैं बॉडी के अंदर, बॉडी में, तो वो भी क्या करते हैं इसको मूव करने में हेल्प करते हैं, डाउनवर्ड और अपवर्ड मूवमेंट में हेल्प करते हैं। डाउनवर्ड मतलब नीचे जाने में हेल्प करते हैं, अपवर्ड मतलब ऊपर आने में हेल्प करते हैं, कौन? स्विम ब्लेडर्स, ठीक है। उसके बाद में मूवमेंट इन बर्ड्स, मूवमेंट इन बर्ड्स जो है अपन अगली क्लास में करेंगे, तो ये आपको तीनों समझ में आना चाहिए, मूवमेंट इन स्नेल, मूवमेंट इन कॉकरोच एंड मूवमेंट इन फिश, किस तरीके से मूवमेंट होता है ये आपको समझना है, ठीक है बेटा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, किस तरीके से कॉकरोच मूव करता है, किस तरीके से फिश मूव करती है। फिश में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, एक तो साइड फिन्स होते हैं और एक क्या होते हैं टेल पर फिन्स होते हैं, जो इसको मूवमेंट करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ठीक है। टेल वाला जो फिन है वो क्या करता है, इसको बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में अपन करेंगे बर्ड्स में मूवमेंट कैसे होता है, ठीक है, एनिमल्स में और अदर एनिमल्स में कैसे मूवमेंट होता है, वो सारा अपन डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। रिवाइज करें, आप रिवाइज भी करना बेटा घर पे बैठ के, आप खुद भी रिवाइज करो, सेल्फ स्टडी करो, ठीक है, तो ईजिली हो जाएगी चैप्टर।